हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ज़ाकिर हुसैन। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं तबले के अलावा क्या क्या बजा लेता हूँ। कि रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। आई वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, इट वॉज़ राजधानी एक्सप्रेस। तो मैं अपनी सीट पर जाके बैठ गया एंड सडनली आफ्टर मे बी अ मिनट और टू एक बंदा आया, राक्षस जैसा ही था बिल्कुल। वो आके बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पे बैठ गया और वो फ़ोन पे चालू था। ये चल रहा था इसका, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया मुझे कि क्या चल रहा है ये। फिर उसने बोला बॉम्ब। मैं बोला ये क्या बात कर रहा है भाई। फिर थोड़ी देर बाद वापस ना। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बोला पिस्टल भी ले ले। मैं क्या चल रहा है भाई, ये कहीं गलत तो नहीं फंस गया। एंड ये चल रहा था इसका, हाँ नो, ये सब चीज़ें चल रही थी और सामने से एक पुलिस वाला चलते आ रहा था एंड ही वॉज वॉकिंग इन सच अ वे कि मुझे लगा कि वो हमारे तरफ आ रहा है। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसने मुझे पकड़ लिया तो ये सोचेगा कि मैं भी इसके साथ हूँ और साला क्या लाइफ होगी मेरी। एंड ऑल दिस थिंग्स आर रनिंग इन माई माइंड। जो जैसे ही पुलिस वाला गया, इसने वापस फ़ोन उठाया और बोला ना। फिर बोलता है इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे कंफर्म हो गया कि कुछ बड़ा लफड़ा होने वाला है एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और ये चल ही रहा था, इतने में इसका फ़ोन ख़त्म हो गया, इसने रख दिया फ़ोन और मेरी फटी हुई है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये सोच रहा होगा कि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली हैं, अभी मेरा क्या करना है, मुझे कहाँ ठिकाने लगाएगा ये। एंड मेरी आई एम डेड, दिस इज़ वॉट इज रनिंग इन माई माइंड। फिर ये बंदा मुझे देखता है, बोलता है भाई साहब पटाखे कितने महंगे हो गए ना साले। फिर पुलिस वाला अभी जब गया तो तू क्या, तूने क्यों फ़ोन छिपाया तेरा, डरा क्यों तू, आपको पता नहीं है पटाखे बैन है दिल्ली में, पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर पटाखों के साथ दिखी तो। ओके, बच गया यार मैं। लिटरली आई थॉट कि मैं गया। दिया की रोशनी से सारे अंधेरे दूर हो जाएं, दुआ ये है कि तेरी हर खुशी मंजूर हो जाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू इन दिस एक्ट। आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह, सो मैं स्टैंड अप ही करने की कोशिश करूंगा, बट इसमें थोड़े से साउंड सॉन्ग्स आएंगे एंड दीज सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी ऑफ अरिजीत सिंह। सो आप लोगों को जब अरिजीत के गाने सुनते हैं तो क्यों अरिजीत के गाने में क्या फील आती है? इट्स आइदर मेकअप और ब्रेकअप, बाकी तो कुछ दिखता नहीं है उसके गानों में। सो मैं उन्हीं गानों में एक नया सिचुएशन घुसाऊंगा एंड यू विल हैव फन विद दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या होता है, सो एक कॉरपोरेट हायरिंग इवेंट होता है जहाँ पे इनको पता चलता है, द हायरिंग टीम को, कि यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, वहाँ पे आपको अच्छे खासे कैंडिडेट्स मिलेंगे एंड दिस एंड दैट। सो रिक्रूटमेंट टीम रीचेज देयर, दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, दिन भर रात भर एक्टिविटीज़, खाना पीना चाय कॉफ़ी सब चला जा रहा है एंड सडनली दे रियलाइज कि यार यहाँ पे तो कोई कैंडिडेट हमारा हायर ही नहीं हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। सो इस सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक, द रिक्रूटमेंट टीम विल सिंग अ सॉन्ग एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज हैपेंड। सो ये गाना है वो। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। तो ये हायरिंग टीम ने गलत जगह पहुंच गई, गलत पते पे, इनको कोई मिला नहीं। फाइनली व्हेन दे वर लीविंग, इनको एक बंदा मिल गया भाई साहब एंड ही वॉज वो सूट्स वाला जो माइक्रॉस था ना, उस टाइप लेवल का बंदा था। फॉर पीपल हु डोंट नो सूट्स, ही वॉज बेटर देन आमिर खान। तो इस सिचुएशन में जैसे ही इनको बंदा मिलता है अच्छा वाला, ये गाना गाते हैं हायरिंग टीम वाले। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। सो फाइनली दिस सुपर गाय गेट्स हायर्ड और पहला दिन होता है ऑफिस का, ही गेट्स अपॉइंटमेंट लेटर एंड लॉट ऑफ दिस जॉइनिंग प्रोसेस एंड फॉर्मेलिटीज गेट्स कंप्लीटेड। आफ्टर दिस ये बंदा जो है इंडक्शन में जाता है
जहाँ पे इसको पूरा दिन अपना प्रोसेस की ट्रेनिंग दिस दैट एवरीथिंग दे गिव ऑल द नॉलेज. फाइनली इसको ट्रेनिंग टीम बोलती है कि भाई यू नीड टू बी कनेक्टेड टू योर पीपल, यू नीड टू बी गुड विथ योर पीपल, यू नीड टू शो एम्पैथी टुवर्ड्स देम. तो इस सिचुएशन में ट्रेनिंग टीम कैसे गाना गा के इस बंदे को समझाएगी? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. ओके सो ये बंदा हायर हो जाता है एंड ही इज लाइक अ टॉप परफॉर्मर. मतलब पहले ही महीने में ये इतने सारे काम कर लेता है एंड इसका भी काम कर दिया, उसका भी काम कर दिया. सुपर सुपर इम्प्रेस्ड, बॉस इज सुपर इम्प्रेस्ड. सो फाइनली दिस बॉस अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है एंड दोस्तों को बोलता है कि तुम लोगों को पता है मेरे पास एक बंदा आया है, ही इज़ अ न्यू हायर. और वो बंदा आने के बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ है पता है? जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी. तो ये बंदा जो है अच्छा खासा काम कर रहा है, बॉस इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली. एंड एक बार इससे कुछ गलती हो जाती है, बड़ी गलती हो जाती है एंड उसी दिन बॉस का मूड भी खराब है. तो अभी बॉस इससे रूठ जाता है तो ये बंदा गाना गाता है. तू जो तो कौन हंसेगा, तू जो छोटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा. सो इन सब के बीच में मुझे एक और सिचुएशन याद आया, तो मैं बताता हूँ आपको कि एक कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, दीज एम्प्लॉयज़ ऑलवेज वेन एवर देर इज अ सर्वे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे या कोई भी सर्वे होता है ऑफिस में, इन द स्केल ऑफ 1 to 5 दे गिव 3 रेटिंग. इन लोगों के लिए मैनेजमेंट गाना गाती है, या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो, वो गलत था ये सही है, झूठ ये आज कह दो. एवरीथिंग इज गुडी गुडी एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस बंदे का, और इसके ऊपर आती है कहर. एंड व्हाट इज इट नाउ? बिकॉज ऑफ सम बिजनेस रीजन और बिकॉज ऑफ सम रीजन ही इज बीन आस्क्ड टू गेट ट्रांसफर टू सम अदर ब्रांच. तो ये बंदा इतना खुश है यहाँ पे एंड ही इज नॉट हैप्पी गोइंग देयर. तो इस सिचुएशन में ये बंदा अपने बॉस को देख के बोलता है, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं. तो ये जो एम्प्लॉई है इसका ट्रांसफर हो गया, पहुंच गया नई जगह पे, बट पता नहीं क्यों इसको काम पसंद नहीं था शायद, तो ये अपने एटीट्यूड में आ गया, नेवर कमिंग टाइम ऑन वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स. तो इसका मैनेजर इसको बुलाता है, बोलता है, भाई तू मीटिंग्स पे लेट आता है, तू ऑफिस लेट आता है, तू कॉल्स पे लेट आता है, क्या चल रहा है, क्यों ऐसे करता है, क्या हो, क्या गया तेरे को? तो ये बंदा गाना गाता है, आदत है. तो ये बंदा अपनी फुल एटीट्यूड में है, कर रहा है काम, अच्छा ही कर रहा है, बट इतना एटीट्यूड में होने के बावजूद ये उन एम्प्लॉय जैसा है जो कभी अपने बॉस को बोल नहीं पाता कि मुझे सैलरी हाइक चाहिए या इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए या जो भी चाहिए. तो इस सिचुएशन में ये बंदा अपने घर पे अकेले दुख का सहारा लेके गाना गाता है, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद. मैं ऐसे एम्प्लॉय को कहना चाहूंगा कि भाई जा अपने बॉस से बात कर इंस्टेड ऑफ सिंगिंग दिस सॉन्ग सिटिंग एट योर होम. ओके सो ये बंदा हमेशा ऑफिस जो है कैजुअल्स में मस्त आता है, बट सडनली एक दिन अपना ऑफिशियली पूरा ऑफिशियल लुक, मतलब शर्ट टाई, मतलब नो फॉर्मल पैंट्स एंड एवरीथिंग. तो इसका बॉस इसको देखता है और समझ जाता है ये कहाँ जाके आया है. तो इसको बोलता है, मुझसे जो नजरें
चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। तो एज एक्सपेक्टेड इस बंदे ने रिजाइन कर दिया, बट ही नेवर डिस्कस विद हिज बॉस, और इसने ईमेल कर दिया अपने बॉस को। अब इसका बॉस जो है घर पे लेटा हुआ है, एंड इसको ईमेल आता है, ये फ़ोन पे ईमेल खोलता है नाइट में, एंड ही सीज व्हाट हैज हैपेंड एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग एंड सिंगिंग दिस सॉन्ग। छड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। तो ये बंदा रिजाइन फाइनली कर देता है, एंड नेक्स्ट डे बॉस जाता है रास्ते भर में सोचते हुए कि इससे क्या बात करूंगा, हाउ विल आई ट्राई टू रिटेन दिस गाय, मैं क्या करूंगा, क्या सोचूंगा, शुड आई लीव हिम, अलाउ हिम टू गो, या फिर नहीं इसको रखूं, कुछ तो सोचते हुए जाता है। बट द मोमेंट ही रीचेज ऑफिस एंड सीज, बिकॉज दिस गाय इज वेरी हैप्पी दैट ही इज गॉट अ जॉब, तो इसकी खुशी देख के इसको बोलता है, मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। सो फाइनली ही इज मेड हिज माइंड टू गो, रुकने वाला तो था नहीं वो। तो द डे केम ऑफ फेयरवेल, तो ये अपने ये बॉस और जो पुराना बॉस था जो पुरानी ब्रांच में रहता था, वो लोग सब का गेट टुगेदर हुआ, और जाते समय इस बंदे ने बड़े शान से गाना गाया, अच्छा चलता दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। सो वी आर एंड ऑफ दिस शो, एंड होप यू गाइज लाइक दिस, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस शो, थैंक यू। Suave, suave, suave.